हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो हमने अभी कुछ दिन पहले ही स्नैप का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन। ओके, बट शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर स्नैप के मॉक्स अवेलेबल हैं। 11 मॉक्स का पैकेज है एंड जो फर्स्ट मॉक है वो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको ज़रूर दें अपनी परफॉर्मेंस को गॉच करने के लिए। एंड जो है पैकेज है, इट इज़ अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 499, बट यू कैन गेट इट एट अ प्राइस ऑफ 399 बाई यूजिंग द कूपन कोड MBA20। तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जो मॉक्स है, फुल लेंथ मॉक्स है 11, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है एंड आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर कर सकते हैं अपने पीयर्स के साथ। ऑलराइट, तो क्रिटिकल रीजनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 10-15 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में एंड इसलिए वो एक मेजर चंक फॉर्म करता है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप काफ़ी प्रैक्टिस करें क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की। और कई बार जो है प्रॉब्लम ये आती है क्रिटिकल रीजनिंग में कि एक कोई फॉर्मूला नहीं है सेट ऑफ, कि आप कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला फॉलो नहीं कर सकते एक आंसर पहचानने के लिए। इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए, थिंकिंग उस तरह से होनी चाहिए कि आप समझ पाएँ क्वेश्चन क्या है, क्या डिमांड किया जा रहा है और ऑप्शंस जो हैं उसमें डिफरेंस जो है वो समझ पाएँ। ठीक है, तभी आप सही आंसर अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो बचते हैं क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से, क्योंकि उन्हें लगता है गलत ही हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस के साथ आप सही अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एंड इस सेशन में हम जो फ्री मॉक है उसके क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो हम जो है फोकस करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि जो है कि हम पहले समझें क्वेश्चन को, फिर उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, एग्जाम में आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, बट यहाँ पर पहले हम उसे समझेंगे अच्छे से। सो फर्स्ट है, हमें जो है देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो पैसेज को कंप्लीट करता है। ठीक है, एक शॉर्ट पैसेज गिवन है, तो देखते हैं। डिस्पाइट इट्स बैड नेम, द पास्ट फ्यू डेकेड्स हैव सीन एन एप्रिसिएशन ऑफ गॉसिप। Psychologists, sociologists, and experts in organizational behavior write that even snarkier criticism can be a powerful aid in bonding and social education. Criticizing those who have transgressed social norms, for example. अब इसके आगे blank है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक तो bad name है, ठीक है, gossip का एक bad name है, लोग गलत समझते हैं, लेकिन यहाँ पर despite use हुआ है, तो यानी कि bad name के बावजूद कुछ और भी है। क्या है कि पिछले कुछ time में अप्रिसिएशन हुआ है गॉसिप का, यानी कि उसको अप्रिशिएट किया गया, तारीफ की गई। क्यों? तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्या कहा है, इवन स्नार्कियर क्रिटिसिज्म कैन बी अ पावरफुल एड इन बॉन्डिंग एंड सोशल एजुकेशन। तो ये हेल्प कर सकती है बॉन्डिंग में, जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग वर्कर्स हैं, और उनको आपस में जोड़ने में और उनकी एजुकेशन में, सोशल एजुकेशन, उनकी सोशल स्किल्स को बढ़ा सकती है। तो ये कहा गया है, तो ये समझना ज़रूरी है। ठीक, क्या कहा गया, क्या ये अप्रिशिएट कर रहा है गॉसिप को या नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो यहाँ पर है कि अप्रिसिएशन किया गया है। ओके, क्रिटिसाइजिंग दोज हु हैव ट्रांसग्रेस्ड, उन लोगों को क्रिटिसाइज करना जिन्होंने ट्रांसग्रेस करना, मतलब कि किसी कोई बाउंड्री को क्रॉस कर देना। ठीक है, ट्रांसग्रेस सोशल नॉर्म्स, जिन्होंने सोशल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया, कुछ ज़्यादा गलत कह दिया किसी को, तो उनको क्रिटिसाइज करना क्या होगा। एनकरेजेस गुड कंडक्ट एंड सर्व्स एज अ डिटरेंट टू बैड बिहेवियर, only further exacerbates the situation, deepens the rift between the one who delivers the criticism and the receiver, and causes those involved to become apathetic toward each other. तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो कि यहाँ पर एक तो क्रिटिसिज्म की तारीफ की गई है, फिर कहा गया कि जो लोग सोशल नॉर्म्स को नहीं मानते, उसको ब्रेक करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करना क्या है। तो एक यहाँ पर कुछ पॉजिटिव ही कहा गया होगा उसके बारे में, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं कहा गया होगा, यही हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि उस यहाँ पर अप्रिसिएशन किया गया है गॉसिप का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लोग सोशल नॉर्म्स ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करना क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। एक तो कि गुड कंडक्ट होगी, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करने से जो है उनका बिहेवियर इम्प्रूव होगा, और डेटरेंट होता है कोई चीज़ जो कि किसी चीज़ को कम करती है, तो बैड बिहेवियर को कम करेगा, तो ये हो सकता है। लेकिन एक बार बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ओनली फर्दर एक्सेसरबेट्स द सिचुएशन, एक्सेसरबेट्स होता है किसी खराब सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देना, और यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रेज़ किया गया क्रिटिसिज्म को, तो ये तो नहीं होना चाहिए। डीपन्स द रिफ्ट बिटवीन द वन हु डिलीवर्स द क्रिटिसिज्म एंड द रिसीवर, रिफ्ट होता है गैप,
जो कहें एक एक लार्ज गैप कह सकते हैं, क्रैक कह सकते हैं, ठीक है। तो एक गैप जो है वो बढ़ा देगा क्रिटिसिज्म करने वाले को और रिसीवर के बीच में। तो ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, जबकि पैसेज में ये फिट नहीं होंगे। पैसेज के एंड में कॉजेज दोज इन्वॉल्व टू बिकम एपेथेटिक टुवर्ड ईच अदर। एपेथेटिक यानी कि किस फर्क नहीं पड़ता आपको किसी चीज़ पे, किसी चीज़ से, ठीक है, यू आर इंडिफरेंट। तो वो भी नहीं, यहाँ पर एक ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, ए फिट होगा इस ब्लैंक में, ठीक है। एनकरेजेस गुड कंडक्ट एंड सर्व्स एज ए डिटरेंट टू बैड बिहेवियर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन जैसे दिखे आपको पहले पॉज करना है सेशन, खुद आंसर करना है एंड फिर जो है एक्सप्लेनेशन उसका देखना है। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। सो अब यहाँ पर क्या है कि एक पैसेज है, इसमें है स्टेटमेंट विच मे और मे नॉट स्ट्रेंथन द असर्शन मेड इन द पैसेज। पैसेज में कोई एक आर्ग्यूमेंट दिया गया होगा, एक असर्शन होगा, स्टेटमेंट है, उसको कुछ कोई स्टेटमेंट स्ट्रेंथन कर रही है या नहीं कर रही, तो हमें उसी के हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। सो न्यू सिचुएशंस स्पेशली वंस दैट सीम डेंजरस ऑल्सो फोर्स अस टू कन्फ्रंट आर फियर, ओके। तो जो न्यू सिचुएशंस करती हैं हमें हेल्प फोर्स अस टू कन्फ्रंट आर फियर, कन्फ्रंट होता है कि सामना करना अपने डर का, तो ठीक है। दिस कैन बूस्ट आवर मूड बाय मेकिंग अस फील लेस स्ट्रेस्ड, ऑलराइट, लेस टायर्ड एंड इवन यूफोरिक। यूफोरिक इज एक्साइटेड, ठीक है, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। तो ये यहाँ पर गिवन है, तो इसमें स्ट्रेंथन, अब यहाँ आर्ग्यूमेंट ये है कि नई सिचुएशंस फेस करने से ये चीज़ें होंगी कि मूड बूस्ट होगा, हमें कम स्ट्रेस्ड फील होगा। तो इस आर्ग्यूमेंट को कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट करेगी? Not all new situations are scary by nature. One should experience new situations to feel delighted. Every person fears one thing or another. None of these. अब यहाँ पर है, अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखे can boost our mood. यहाँ पर कुछ words use किए, less stressed, ठीक है, less tired, euphoric use किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा excitement and happiness feel कर सकते हैं अगर हम नई situations जो है वो experience करते हैं, भले ही वो dangerous लगती हों। तो इसके बेसिस पे तो हमें लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इसको स्ट्रेंथन करेगी ना, कि अगर हम न्यू सिचुएशंस एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें खुशी मिलेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो ये इसको सपोर्ट करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, तो ये बी होना चाहिए। बाकी एक बार स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं, ठीक है। बी इसका आंसर, सॉरी, हाँ, बी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम एक बार देख लेते हैं कि क्यों करेक्ट नहीं, नॉट ऑल न्यू सिचुएशंस आर स्केरी बाय नेचर। अब ये स्टेटमेंट जो है वो उसको स्ट्रेंथन या वीकन नहीं कर रही है, कह रहे कि ज़रूरी नहीं सारी सिचुएशन स्केरी हों, ठीक है, बट ये इसको स्ट्रेंथन या वीकन नहीं कर रहा, जो कि वन स्टेटमेंट है उसको, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। हमें चाहिए स्ट्रेंथन करने वाली स्टेटमेंट। एवरी पर्सन फियर्स वन थिंग और अनदर। अब हर एक पर्सन किसी ना किसी चीज़ से डरता है, ओके, दिस मे बी ट्रू, ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, पर हमें सिर्फ इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, क्या ये इसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि नए एक्सपीरियंसिस से हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती है। तो क्या ये इसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि हर एक पर्सन किसी ना किसी चीज़ से डरता है? नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी इसका आंसर है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल रीजनिंग जो है वो वाले क्वेश्चन स्किप कर देंगे, हम सिर्फ सीआर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आज, ओके। सो ठीक है, एक पैसेज गिवन है और फिर हमें कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड जो है हमें स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना इन्फ्रेंस हम इन्फर कर सकते हैं स्टेटमेंट्स या नहीं। तो डेजा वू द एरी सेंस दैट समथिंग हैज़ बीन एक्सपीरियंस बिफोर हैज़ कन्फाउंडेड अस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अलॉन्ग विद पब्लिक फिलोसफर्स फिजिशियंस इंटेलेक्चुअल्स एंड मोर रिसेंटली साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू गेट टू द बॉटम ऑफ द फिनोमेना। Potential explanations have ranged from double perception to dissolution of perceptual boundaries to seize activity to seizure activity to memory-based explanations. Okay, now research emerging from my lab and others suggests that deja vu is not just a spooky experience but a possible mechanism for focusing attention, perhaps an adaptive mechanism for survival shaped by evolution itself. ठीक है, अब ये कई बार चैलेंजिंग लग सकते हैं इस टाइप के जो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप रीड करते हैं डिफरेंट, इसलिए आप कहा जाता है कि यू शुड रीड अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, तो आपको थोड़ी आदत रहेगी। लेकिन क्या हम इसके बेसिस पे आंसर कर सकते हैं अगर हमें इन सब चीज़ों का मतलब ना पता हो, ठीक है, ये डबल परसेप्शन क्या है,
डिसोल्यूशन ऑफ परसेप्चुअल बाउंड्रीज, ये क्या है? ठीक है, सीजर जो है एक्टिविटी, मेमोरी बेस्ड एक्सपीरियंस, तो ये क्या, हमें इनका मीनिंग तो नहीं पता, क्या एक्सपेक्टेड इनका मीनिंग पता हो? नहीं, ठीक है, ये सिर्फ टर्म्स मैंशन है, तो इनके इनके मीनिंग के बिना भी हम ये आंसर कर सकते हैं, हमें बस इन्फ्रेंस देखनी है। द ऑथर्स रिसर्च ऑन डेजा वू इज ऑन डेजा वू इज मोस्ट रिलायबल, क्या जो ऑथर की रिसर्च है, ठीक है, क्या जो ऑथर की रिसर्च है वो रिलायबल है, यानी हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्या ये इन्फर किया जा सकता है, क्या अपने रिसर्च के बारे में कोई उसने प्रूफ दिया कि क्या ये कुछ डेटा को वैलिडेट कर रही, मतलब कोई डेटा जो है वो सपोर्ट कर रहा है, या कि कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया, इन्होंने बस कहा है कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा है, तो इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, अ डेफिनेट एक्सप्लेनेशन फॉर डेजा वू इज़ नॉट अवेलेबल, अगर हम यहाँ देखें कि क्या कोई डेफिनेशन डेजा वू की है, तो यहाँ पर कहा गया है कि कन्फाउंडेड, कन्फाउंड यानी आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है, कन्फाउंडेड अस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यहाँ पर ये लिखा है, फिर ये लिखा है कि अलग अलग लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि क्या क्या एक्सप्लेनेशंस हैं, बहुत सारी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पर फिर ऑथर ने अपनी भी एक एक्सप्लेनेशन दी है, तो ये क्या किया, कहा जा सकता है कि डेफिनेट एक्सप्लेनेशन नहीं है अवेलेबल, ये कहा जा सकता है, इसके बेसिस पर ये इन्फर किया जा सकता है। ठीक है, डेजा वू इज़ अ हॉट टॉपिक इन पब्लिक डिस्कोर्स, हॉट टॉपिक यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जिसके बारे में, डिबेट्स हों, बट ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया, यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि अलग अलग लोगों ने इसके बारे में कहा है, पर ऐसा नहीं कहा कि ये बहुत पॉपुलर था। ठीक है, अलग अलग लोगों ने स्टेटमेंट ज़रूर दिए इसके बारे में, लेकिन कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि पब्लिक डिबेट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, वो नहीं कह सकते, बट भी हम ज़रूर यहाँ से इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेट एक्सप्लेनेशन फॉर डेजा वू इज़ नॉट अवेलेबल, तो हमने बस ये, हमने ये जो टर्म्स थी इनका मीनिंग नहीं देखा। ठीक है, हमने बस ये समझा कि यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, कि यहाँ पर अलग अलग लोगों ने स्टेटमेंट्स दी हैं, अलग अलग जो है एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, लेकिन जो है कोई एक जो है प्रॉपर डेफिनेशन जो उभर के नहीं आए। ठीक है, और ऑथर ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी है, तो हम बी इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, ठीक है, सो मून जेम एंड ट्रू क्रिस्टल आर मेजर डायमंड कंपनीज विद स्टोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द वेक ऑफ द हैवी क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड विद डायमंड माइनिंग फॉर इट्स सीवियर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, बोथ मून जेम एंड ट्रू क्रिस्टल इन्वेस्ट इन लेबोरेटरीज डेडिकेटेड टू ग्रोइंग आर्टिफिशियल डायमंड्स। द जनरल बिलीफ वॉज दैट देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ डायमंड्स आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम नेचुरली अकरिंग डायमंड्स to lab-grown ones, despite the fact that a lab-grown diamond does not fit well with people's ideas of romance. तो यहाँ पर दो companies की बात की गई है, okay? और क्योंकि criticism है diamond mining की, ठीक है, उसका environmental impact होता है, इसलिए ये दोनों companies क्या करती हैं, invest करती हैं artificial diamond वाली companies में। ठीक है, ये diamond companies है, artificial diamond companies नहीं है, ये diamond companies है जो invest करती हैं artificial diamond companies में। The general belief was that there would be no impact on the sales of diamonds. Okay, यहाँ पर ये माना जा रहा था कि अगर naturally occurring diamonds को switch कर दिया जाए lab grown diamonds से, तो demand में कोई impact नहीं पड़ेगा। ठीक है, despite the fact that lab grown diamond does not fit well in people's idea of romance. यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि लोग जो है रोमांस का जो आइडिया है वो एसोसिएट करते हैं नेचुरल डायमंड से, ना कि लैब ग्रोन डायमंड से। ठीक है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है, जनरल बिलीफ ये है कि अगर हम स्विच कर देते हैं नेचुरली अकरिंग डायमंड्स को लैब ग्रोन डायमंड से, तो डिमांड में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड एड क्रेडेंस, क्रेडेंस मतलब कि जो है कि उसको सपोर्ट करेगा, एक तरह से एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि टू द जनरल बिलीफ, जो जनरल बिलीफ है वो हमने अभी देखी। तो अ सर्च इन डायमंड, अ सर्च इन डिमांड फॉर नेचुरली अकरिंग डायमंड्स, अगर क्या ये जो है इस बिलीफ को सपोर्ट कर रहे किसी वे में। ठीक है, अ कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द रेपुटेशन ऑफ टू कंपनीज अमंग एनवायरमेंटलिस्ट्स। तो जो जनरल बिलीफ है वो ये है कि लैब ग्रोन डायमंड्स से हम रिप्लेस कर दें नेचुरल डायमंड्स को, तो डिमांड में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो इसको कौन से स्टेटमेंट सपोर्ट करेगी? अ रिपोर्ट दैट एस्टैब्लिशेस दैट सेटिंग अप लेबोरेटरीज फॉर डायमंड्स इज सिग्निफिकेंटली लेस एक्सपेंसिव देन माइनिंग डायमंड्स. अ सर्वे दैट रिवील्स दैट द वेरिएशंस इन द टू काइंड्स ऑफ डायमंड्स आर प्रैक्टिकली इनविजिबल. अच्छा, तो स्टेटमेंट यहाँ पर हमने जो है उनको रिप्लेस करने की बात की है. अगर दोनों के बीच में फ़र्क ही ना हो लैब ग्रोन डायमंड में और जो कि नेचुरल डायमंड है, दिखने में फ़र्क ना लगे, तो भले ही लोग जो है वो प्रेफर करते हैं नेचुरल डायमंड, बट अगर उनमें फ़र्क नहीं है दिखने में तो क्या होगा? भले ही कंपनीज रिप्लेस कर दें नेचुरल डायमंड को लैब ग्रोन डायमंड से, क्या लोगों को उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, लोग तो फिर भी परचेज करेंगे. तो इस स्टेटमेंट को कौन सी जो स्टेटमेंट है इस बिलीफ को कौन सी स्टेटमेंट है स्ट्रेंथन कर रही है? तो वो है डी, कि जो है अगर डी, ठीक है, कि अगर दोनों डायमंड्स के बीच में डिफरेंस नहीं है दिखने में, ठीक है, जो डिफरेंसेस है वो ना के बराबर हैं, तो ये ट्रू होगा. अच्छा, ये क्या है कि अ सर्ज इन डायमंड फॉर नेचुरल डिमांड फॉर नेचुरली अकरिंग डायमंड्स. तो अगर ये इंक्रीज हो जाती है नेचुरली अकरिंग डायमंड की डिमांड, तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी ना, कि डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रिप्लेस करते हैं तो. ठीक है, अ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन द रेपुटेशन ऑफ टू कंपनीज अमंग एनवायरमेंटलिस्ट्स. इसका कुछ रिलेशन नहीं है बिलीफ से, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ कहीं कुछ कहा गया है उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में, लेकिन जो ये बिलीफ है, बिलीफ से इसका कोई रिलेशन नहीं है. अ रिपोर्ट दैट एस्टैब्लिशेस दैट सेटिंग अप लेबोरेटरीज फॉर डायमंड्स इज सिग्निफिकेंटली लेस एक्सपेंसिव दैन माइनिंग डायमंड्स. अब अगर हम जो है लैब में डायमंड्स जो लैब्स में प्रोड्यूस करते हैं डायमंड्स, ऐसी लैब्स एस्टैब्लिश करें, वो कम एक्सपेंसिव है माइनिंग करने से, ठीक है, लेकिन उससे जो ये जो बिलीफ है कि डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे ये इससे रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो यही हमें देखना है. बिलीफ की बात हो रही है, हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो उस बिलीफ को स्ट्रेंथन करेगी. तो इट शुड बी डी. ओके ओके, सो ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया. इसका आंसर हमने कर दिया था. ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा. अ मेजर एडवांटेज दैट ऑनलाइन शॉपिंग हैज ओवर ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स. अभी यहाँ पर हमें जब भी आप ये रीड करें पैराग्राफ बेस्ड है, तो आपको एक बार यहाँ रीड कर लेना चाहिए कि क्या किस के ऊपर बेस्ड है जो क्वेश्चन है. पैराग्राफर यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या एजम्पशन है. ठीक है, एजम्पशन हमें देखनी है. क्या होता है एजम्पशन? जब एक सिचुएशन दी हुई है कि ऐसा हुआ, एक पर्टिकुलर इवेंट हुई, तो वो इवेंट होने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा, क्या रैशनल रहा होगा कि ये डिसीजन लिया गया, तो वो होता है एजम्पशन. ठीक है, तो जैसे कि अगर एजम्पशन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक एग्ज़ाम को क्लियर करने की, तो एजम्पशन ये है कि मेहनत करने से जो है अच्छा परफॉर्म करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा एंड आपका एडमिशन हो जाएगा. या फिर अगर आप जो है अच्छे जैसे कॉलेज में हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और फिर आपका ये एजम्पशन है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा एकेडमिकली तो फिर आगे मुझे प्लेसमेंट्स बेटर मिलेंगे, तो वो एजम्पशन है किसी चीज़ के पीछे. तो यहाँ पे हमें एजम्पशन देखना है कि ऑथर की आर्ग्यूमेंट के पीछे. तो हम पहले देखते हैं क्या है आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग की एडवांटेज है ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स के ऊपर इज द नोटिसेबल प्राइस डिफरेंस. ओके, दोनों के बीच में प्राइस का फ़र्क है. ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफन ऑफर लोअर प्राइसेस ड्यू टू रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट एंड द एबिलिटी टू कंपेयर प्राइसेस अक्रॉस मल्टीपल वेबसाइट्स. ठीक है, यहाँ पर बेनिफिट्स मेंशनड है, रिड्यूस्ड कॉस्ट है, ठीक है, कम प्राइस है और कंपैरिजन किया जा सकता है. एडिशनली बजट कॉन्शियस शॉपर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स एंड डील्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन फिजिकल स्टोर्स. तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट ये है यहाँ पर कि ऑनलाइन शॉपिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, और इसीलिए जो बजट कॉन्शियस शॉपर्स हैं वो डिस्काउंट्स और डील्स का फ़ायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन स्टोर्स पे, इन कम्पेयर टू
फिजिकल स्टोर्स, बट ऑल दीज कम एट द एक्सपेंस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फिजिकली सी और ट्राई आउट द प्रोडक्ट्स बिफोर परचेजिंग. तो यहाँ पर एक वो भी है, एक ड्रॉबैक भी है कि आप फिजिकली नहीं देख सकते प्रोडक्ट को खरीदने से पहले. हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ इजी रिटर्न्स ऑफर्ड बाय मेनी ऑनलाइन रिटेलर्स आउटवेज दिस कंसर्न. तो ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमें जो बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज है वो इजी रिटर्न्स ऑफर करती हैं, आप आसानी से प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं. आउटवेज दिस कंसर्न, आउटवे करना यानी कि जो है इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कंसर्न से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं. ये ऑथर का आर्ग्यूमेंट है कि रिटर्न ईजी रिटर्न्स की वजह से जो लोग हैं वो परचेज करेंगे ऑनलाइन. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं. ठीक है, ओके. तो ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ अनडाउटेडली बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड एंड चोजन मोड्स ऑफ परचेजिंग थिंग्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल. अब ये स्टेटमेंट रीड करते ही लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात नहीं की, कोई डेटा नहीं गिवन कि 50% से ज़्यादा लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया. सिर्फ ये कहा है कि डिफरेंस है दोनों में, क्या बेनिफिट है और क्या कंसर्न है, ये मेंशन है. तो ये स्टेटमेंट तो हम सीधा जो है कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी रिटर्न में इंसेंटिवाइज बजट कॉन्शियस शॉपर्स टू मूव पास देयर कंसर्न अबाउट द इनएबिलिटी टू ट्राई आउट प्रोडक्ट्स प्रायर टू परचेज. अगर ईजी रिटर्न हैं तो बजट कॉन्शियस शॉपर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीद पाएंगे, ट्राई आउट कर पाएंगे क्योंकि ईजी रिटर्न हैं, और उनके जो कंसर्न है उससे वो बियॉन्ड जा पाएंगे, यानी कि उनकी जो चिंता है कि रिटर्न नहीं हो पाएगा, अगर इजी रिटर्न्स अवेलेबल हैं तो वो परचेस करेंगे. तो ये कुछ ये लग रहा है हमें कि जो ऑथर की आर्गुमेंट है उससे मैच कर रहा है. ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स आर बेटर सूटेड फॉर परचेजिंग लग्जरी क्लोथिंग और परफ्यूम्स एज शॉपर्स वांट टू ट्राई देम आउट फर्स्ट. कहीं पर भी स्पेसिफिक ये नहीं कहा गया कि लग्जरी जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स हैं वो लग्जरी शॉपिंग के लिए होने चाहिए, होते हैं, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया गया वहाँ पर. ठीक है, सिर्फ ये कहा गया कि बजट शॉपर्स का जो है ये कंसर्न होता है, बजट शॉपर्स जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं डिस्काउंट्स का. पर कहीं भी ये नहीं कहा कि ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स जो है वो इन लग्जरियस प्रोडक्ट्स के लिए जो है बेटर है, तो ये नहीं कहा गया, इसको भी हम हटा देते हैं. ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफन इंक्लूड हिडन शिपिंग एंड अदर चार्जेस दैट ओनली एड अप व्हेन अ शॉपर लैंड्स ऑन द पेमेंट्स पेज. ये इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, कि कहीं इंडिकेशन नहीं मिला कि कुछ जैसे हिडन चार्जेस के बारे में या कुछ चीट करने के बारे में, डिसेप्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया. ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स दी थी वहाँ पे, तो ये नहीं है, इसका आंसर बी ही होना चाहिए. ऑलराइट, सो इट शुड बी बी. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, हमें देखना है ओके, एक पैसेज गिवन है और हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, तो हमें कंक्लूड कर हम देखने कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से. अ हेल्दी फिजिकल बॉडी इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी मेंटल स्टेट. स्मॉल टाउन्स ऑफन हैव एम्पल आउटडोर स्पेसेस मेकिंग इट ईजियर टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग, बाइकिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स. दीज एक्टिविटीज नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो हेल्प रिलीज एंडोर्फिन्स विच कैन एलिवेट द सिम्टम्स ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस. ओके, तो एक तो यहाँ पर यह है कि हेल्दी बॉडी इज़ नेसेसरी फॉर हेल्दी मेंटल स्टेट. ठीक है, स्मॉल टाउन्स में आउटडोर स्पेस होती हैं. ठीक है, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो. ये नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, रिलीज एंडोर्फिन्स, एलिवेट होता है रिड्यूस करना किसी के इम्पैक्ट को, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना, एलिवेट द सिम्टम ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस. ओके, क्या हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेस आर प्रोडक्ट्स ऑफ इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी? क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इसके बेसिस पे? देखो क्या लिखा है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस के बारे में, कि एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और एंडोर्फिन्स ट्रॉमा और स्ट्रेस के सिम्टम्स को कम करते हैं. क्या यहाँ पर ये लिखा है कि ट्रॉमा की अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको ट्रॉमा और स्ट्रेस होगा, ऐसे कैसे ज़रूरी है? ये डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है, ये आपको समझनी है कि ट्रॉमा और स्ट्रेस का जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं एक्सरसाइज करने से, ये एक अलग बात है. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ट्रॉमा एंड स्ट्रेस होगा. ऑलराइट, तो ये तो हम नहीं कंक्लूड कर सकते.
इट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड दैट बिग टाउन्स डू नॉट हैव एम्पल आउटडोर स्पेसेस. अब यहाँ पर क्या लिखा है, स्मॉल टाउन्स अक्सर हैव एम्पल आउटडोर स्पेसेस. अब ये एक स्टेटमेंट स्मॉल टाउन्स के फेवर में, अब इसमें कंपैरिजन नहीं किया किसी बिग सिटी से या फिर एक विलेज से, किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया. इसमें सिर्फ ये कहा है कि एक स्मॉल टाउन्स में यूजुअली ओपन स्पेसेस होते हैं, तो हो सकता है बिग सिटीज़ में हो सकता है ना हो, हम डेफिनेटली ये कंक्लूड कर ही नहीं सकते. सो ये नहीं होगा. इट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड दैट अ हेल्दी माइंड कैन नॉट ड्वेल इन एन अनहेल्दी बॉडी. मतलब अनहेल्दी बॉडी है तो उसमें हेल्दी माइंड हो ही नहीं सकता. क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं, अ हेल्दी फिजिकल बॉडी इज नेसेसरी लिखा है यहाँ पे फॉर अ हेल्दी मेंटल स्टेट. यानी कि हेल्दी मेंटल स्टेट तभी होगी, नेसेसरी का मतलब क्या है, तभी होगी जब आप जो है हेल्दी फिजिकल बॉडी है तभी हेल्दी मेंटल स्टेट होगी. तो इससे हम क्या समझ पाते हैं कि अगर हेल्दी फिजिकल बॉडी नहीं है तो हेल्दी मेंटल स्टेट नहीं होगी, ये हम समझ सकते हैं. तो यही है, अ हेल्दी माइंड कैन नॉट ड्वेल इन एन अनहेल्दी बॉडी, ये हम इन्फर कर सकते हैं. यस, ठीक है, ये किया जा सकता है. ऑल दो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, हमें इस तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना है, लिमिटेड रहना है जो लाइंस के बने, और उसके बेसिस पे ये इन्फर किया जा सकता है. ठीक है, अच्छा, इट कैन नॉट बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, यहाँ पर कैन नॉट लिखा है दैट मैनी पीपल लिविंग इन स्मॉल टाउन्स हैव ऑप्टिमल हेल्थ. ओके, तो यहाँ पर यह है कि कैन नॉट बी कंक्लूडेड. अब यहाँ पर लिखा है कि दे हैव एम्पल आउटडोर स्पेसिस मेकिंग इट ईजियर टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो यहाँ पर डेटा गिवन नहीं है हमें. ओके, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि दे हैव ऑप्टिमल हेल्थ, बिल्कुल सही हेल्थ है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं हो सकती. इट शुड बी सी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर है हमें वी कैन इन्फर. ओके, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है. अब यही है, आपको रीडिंग्स अपनी स्पीड इम्प्रूव करनी है. ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ स्पीड ही नहीं कि आप हर एक लाइन को एक बार में रीड करके समझ पा रहे हैं. ठीक है, एक बार नहीं तो दो बार में रीड करके समझ पा रहे हैं शुरू में. ठीक है, सो वन समर नाइट इन अ सी साइड कॉटेज अ स्मॉल बॉय फेल्ट हिमसेल्फ लिफ्टेड फ्रॉम बेड. Dazed with sleep, he heard his mother murmur about the lateness of the hour and heard his father laugh. Then, with the swiftness of a dream, he was borne in his father's arms down the porch steps and onto the beach. Overhead, the sky blazed with stars. Watch, incredibly, as his father spoke, one of the stars moved. In a streak of golden fire, it flashed across the astonished heavens. And before the wonder of this cloud, this could fade. Another star leapt from its place and then another plunging towards the restless sea. ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी या कहें कि एक जो है एक इंसिडेंट जो है वो मैंशनड है, एक स्टोरी है छोटी सी. तो अब यहाँ पर हमें क्या इन्फर कर सकते हैं हम इस स्टोरी से. ठीक है, लेट्स सी. तो पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. ठीक है, तो मदर्स आर मोर कंसर्न विद द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन दैन फादर्स. ये कैसे आप कंक्लूड करोगे, कैसे इन्फर करोगे. ठीक है, कि मदर्स, ये एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन दैन फादर्स. एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, आप सिर्फ एक स्पेसिफिक केस से जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि मदर्स ऐसा ही करती हैं, फादर्स ऐसा ही करते हैं. ये एक स्पेसिफिक एक इंसिडेंट की बात हो रही है. ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते. देयर इज अ प्रिवेलिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मदर एंड द फादर ऑन मैटर्स कंसर्निंग देयर सन. क्या यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, क्या दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट की कोई असहमति थी किसी चीज़ को लेकर, और कि मैटर्स कंसर्निंग देयर सन, कि क्या 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 होना चाहिए उनके सन के लिए, क्या बेटर है क्या नहीं. वेल, कॉन्फ्लिक्ट जैसा हमें कुछ अभी तक नहीं मिला. ठीक है, लेट्स सी कि सी हो सकता है यानी द फादर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट अ न्यू एक्सपीरियंस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ गुड नाइट स्लीप फॉर हिज. अब यहाँ पर क्या हुआ था कि एक जो वो बॉय था वो सो रहा था और उन्हें उसने लगा कि किसी ने उठाया. ठीक है, और वो नींद में ही था और फिर उसके मदर की आवाज़ आती है कि बहुत देर हो गई है. ओके, और फादर हंसते हैं एंड हिज फादर लाफ्स. और फिर ये क्या हुआ कि जो फादर है अपने आर्म में ले जाते हैं बाहर बीच पे
एंड वहाँ पर फिर वो देखते हैं कि स्टार्स थे बहुत सारे, एंड देन वहाँ पर वो शूटिंग स्टार्स देखते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है। तो यहाँ पर फादर मदर ने जो है कहा होगा फादर को, ये हम ये कह सकते हैं, मर्मर अबाउट द लेटनेस ऑफ द आवर, कि मदर को लगा कि नहीं इस टाइम बहुत देर है तो उसको नहीं उठाना चाहिए बॉय को, लेकिन फादर हंसते हैं, वो फिर भी उसे ले जाते हैं। सो द फादर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट अ न्यू एक्सपीरियंस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ गुड नाइट स्लीप फॉर हिज सन। ये हम इन्फर कर सकते हैं कि फादर को लगा कि जो है उस सन अपने जो सन है उन्हें उसे उठाना जगाना बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक ये एक्सपीरियंस जो है वो दिलाना चाहते थे। तो येस वी कैन इन्फर सी, ठीक है। बी क्यों नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ यहाँ पर हमें नहीं मिला, ठीक है, कि डिसएग्रीमेंट हुआ हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, नहीं। सो इट शुड बी बी, ठीक है। तो मार्क कर देते हैं, इट शुड बी सी, ठीक है, इट शुड बी सी, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इन्फ्रेंस बेस्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज, देखते हैं। मैनी क्रिटिक्स हैव चार्ज्ड दैट आईक्यू टेस्ट फेल टू अकाउंट फॉर मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। चार्ज होता है किसी के अगेंस्ट आप आरोप लगाते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि आईक्यू टेस्ट जो है वो अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस को जो है असेस नहीं कर पाते। नॉट ओनली डू दे नॉट असेस डिसीजन मेकिंग स्किल्स, बट दे ऑल्सो ओवरलुक थिंग्स लाइक मैकेनिकल एंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो वो क्या क्या करते हैं, एक तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स को नहीं असेस करते, दूसरा वो मैकेनिकल एंड काइनेस्थेटिक स्किल्स ये भी नहीं, इंटेलिजेंस ये भी नहीं असेस कर पाते, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं असेस कर पाते, ठीक है, ओके। एंड इन सम रिगार्ड्स क्रिएटिविटी, और कुछ सेंस में क्रिएटिविटी भी। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफन रेफर्स टू सच स्किल्स एज हाउ टू रीड पीपल एंड हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज। Lengsow believes that IQ tests do measure creativity and flexibility to some degree, but the tests require people to think outside the box for problem solving. तो IQ tests जो है वो creativity measure करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि करते हैं, flexibility भी measure करते हैं to some degree, कुछ हद तक। तो अगर कोई statement होगी जो कह रही है कि करते ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि कुछ हद तक तो करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि टेस्ट्स में क्या करना पड़ता है आपको, आउटसाइड द बॉक्स अलग हटके सोचना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन ठीक है, कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट, हाउएवर दिस टेस्ट डू नॉट मेजर वंस सोशल क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हर। लेकिन ये जो टेस्ट है क्या मेजर नहीं करते, सोशल क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस ये बिल्कुल भी मेजर नहीं करते, ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो अब क्या इन्फर कर सकते हैं, आई क्यू टेस्ट आर फॉर द मोस्ट पार्ट इनएफिकेशियस, जिसका कुछ कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल यूजलेस है। क्या ये होगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पर ये बताया है कि ये असेस क्या करते हैं, यहाँ पर मेंशनड है कि ये आईक्यू टेस्ट मेजर करते हैं क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ हद तक, कुछ डिग्री तक मेजर करते हैं, ठीक है, और उसमें भी पीपल हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हम ये नहीं कह सकते कि ये इनएफिकेशियस है, ठीक है। अ पर्सन कैन बी क्रिएटिव इन मोर वेज दैन वन, ओके, ये इन्फर किया जा सकता है, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो है क्रिएटिविटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर है कि डू मेजर वन सोशल क्रिएटिविटी, ठीक है, डू नॉट मेजर वन सोशल क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सोशल क्रिएटिविटी एक अलग से मैंशन है यहाँ पर, ठीक है, ओके, एंड ठीक है, आई क्यू टेस्ट डू मेजर क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी मेजर करते हैं पर सोशल क्रिएटिविटी मेजर नहीं करते। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ टाइप की क्रिएटिविटीज़ जो है वो आई क्यू टेस्ट मेजर करते हैं, कुछ नहीं करते। तो यानी अलग अलग टाइप की क्रिएटिविटीज़ हो सकती हैं लोगों के पास, ओके। मैनी पीपल हु टेक आई क्यू टेस्ट लैक इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर लिखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मेजर नहीं करते, जो आईक्यू टेस्ट है वो इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर नहीं करते। पर क्या इसका ये मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, वो तो टेस्ट मेजर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं उस पर्सन के अंदर, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। Lengsow इज इन फेवर ऑफ आईक्यू टेस्ट। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म हुआ है आईक्यू टेस्ट का, जो एक पर्सन है Lengsow, तो उन्होंने ये कहा है कि ये चीज़ें मेजर नहीं करते हैं, तो वो फेवर में तो नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट आउट करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो है मेजर नहीं कर पाते हैं आईक्यू टेस्ट। दैट मीन्स ये ही करेक्ट है,
कि लोगों के पास एक से ज़्यादा तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है। ऑल राइट, ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है, ये किस पर बेस्ड है? ओके, कंक्लूजन, बोल्स्टर्स द कंक्लूजन। ठीक है, बोल्स्टर का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, बोल्स्टर होता है किसी चीज़ को आप स्ट्रेंथन करते हो, तो वही मीनिंग है कि कौन सा जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट है वो इस कंक्लूजन को स्ट्रेंथन करता है। पहले हम एक बार रीड कर रहे थे क्या गिवन है। फार्मर्स अक्रॉस कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर द पिंक बॉलवर्म पेस्ट दैट इज रीकिंग हैवॉक रिजल्टिंग इन हैवी इकोनॉमिक लॉसेस। ओके, हाउएवर अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद अ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड अर्लियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू टैकल पेस्ट प्रॉब्लम्स। एक तो यहाँ पर सिचुएशन हमें गिवन है कि कॉटन फील्ड्स हैं, पेस्ट हैं, लॉस हो रहा है, ठीक है, इंडिया में। ओके, लेकिन एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दे हैड बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद अ टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड अर्ली इन द यूएस। तो एक यूएस की टेक्नोलॉजी है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ साइंटिस्ट, ठीक है, ताकि इसको प्रॉब्लम्स को, पेस्ट को की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। The group has suggested that the government of India step in to adopt this technology and implement it in all cotton producing zones to reduce losses. तो वो कह रहे हैं, जिन ग्रुप ने ये टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया वो कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सारे जोन्स में। ओके, तो अब यहाँ पर है which of the following best strengthens the conclusion that implementation of the technology will result in a reduction of losses. कि अब हमें वो स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो जो कि ये जो कंक्लूजन है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से जो है हमारे कॉस्ट रिड्यूस होगी, जो लॉसेस हो रहे हैं वो कम होंगे, ठीक है, लॉसेस जो है वो कम होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। सो द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ह्यूजली सक्सेसफुल इन पार्ट्स ऑफ इंडिया इन एलिमिनेटिंग वेरियस पेस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ द पिंक बॉलवर्म। जो पेस्ट यहाँ पर है उसको छोड़ के बाकी पेस्ट के लिए सक्सेसफुल रही है, तो फिर तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि इसी को यूज़ करना चाहिए जब पिंक बॉल वर्म के अगेंस्ट इफेक्टिवनेस शो नहीं की उसने, ठीक है, तो पिंक बॉल वर्म के अगेंस्ट हम उसको क्यों यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, द टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इंक्रीज ईल्ड विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑन 710 एकर्स ऑफ कॉटन ग्रोइंग लैंड इन एन इंडियन स्टेट वेयर इट वॉज एक्सपेरिमेंटेड विद। तो जो टेक्नोलॉजी है उसने ईल्ड इंक्रीज़ की है। ईल्ड क्या होगा कि जो आउटपुट है वो बढ़ा है, ठीक है, कॉटन ग्रोइंग लैंड पे बढ़ा है और एक इंडियन स्टेट में जहाँ पर इसको यूज़ किया गया था, ठीक है, तो ये स्ट्रेंथन कर सकता है इस स्टेटमेंट को, ठीक है, ये स्ट्रेंथन कर सकता है, लेकिन अभी हम बाकी एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस, ठीक है, और बाकी ऑप्शंस क्या है हमारे पास। द यूनाइटेड स्टेट इज होम टू अ रेंज ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल वीड्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब क्या सिर्फ इस वजह से कि यूएस जो है वहाँ पर बहुत सारी पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं तो हम वो जो टेक्निक है या कहें कि वो जो पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल का जो तरीका है वो इंडिया में यूज़ कर लेंगे? यहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या वो पिंक बॉल वर्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है? क्या उससे यील्ड बढ़ेंगी? तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा, तो ये स्ट्रेंथन नहीं करेगा, ठीक है। सो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये है, टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल एट ए फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अदर पेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स। अब जो ये टेक्नोलॉजी है, जो यूएस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं, तो ये टेक्नोलॉजी फ्रैक्शन पे अवेलेबल है। फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट मतलब कि बहुत सस्ती है ये टेक्नोलॉजी, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सस्ती है। पर क्या ये पिंक बॉल वर्म के अगेंस्ट काम करेगी? अब भले ही सस्ती टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो अपने फील्ड में, पर अगर वो पिंक बॉल वर्म के अगेंस्ट काम नहीं करेगी तो आप कैसे उसको कह सकते हो कि वो इफेक्टिव है? लेकिन यहाँ या फिर कॉटन की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं, पर यहाँ पर ही मेंशन है कि ऐसी इस टेक्नोलॉजी ने, ये जो टेक्नोलॉजी है उसने एक तो यील्ड बढ़ाई है, एक जो है कॉटन ग्रोइंग लैंड पे ही जहाँ पर उसको यूज़ किया, तो इसलिए इसको यूज़ करना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट जो है उसके सपोर्ट में आएगा, ना कि ये कि सिर्फ कॉस्ट कम है तो हमें यूज़ कर लेनी चाहिए। इफेक्टिवनेस की तो बात ही नहीं की वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इफेक्टिवनेस है क्योंकि यील्ड जो है वो बढ़ गई है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बी, ना कि डी। सो इट शुड बी बी। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इट इज़
इट इज़ ऑल्सो इन्फ्रेंस इट इज़ ऑल्सो एन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. सो लायंस टेंड टू अवॉइड ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज एंड डीप्रीडेट ऑन देम ओनली व्हेन देयर इज अ डार्थ ऑफ फूड एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. डीप्रीडेट मतलब कि टू स्टील समथिंग. ओके. तो ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज में को अवॉइड करते हैं लायंस यूजुअली, लेकिन वहाँ पर आके वो जो है जैसे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या उनको कब अटैक करते हैं, ओनली वेन देर इज़ अ डार्थ. डार्थ होता है लैक. तो डार्थ ऑफ फूड एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. अवॉइड करते हैं यूजुअली, पर तभी आते हैं ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज में जब एक तो फूड की कमी होती है और या फिर उनका जो हैबिटेट है वो फ्रेगमेंट हो जाता है, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है. ठीक है. इन रिसेंट ईयर्स देर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज लीडिंग टू फर्दर इंक्रोचमेंट ऑन लायन हैबिटेट्स. तो एक फैक्ट मेंशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है लायन के हैबिटेट्स में. ठीक है. अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर. तो ये जो इंक्रोचमेंट हुआ है ये कैसे हुआ है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है. ठीक है. इंक्रोचमेंट, डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर, इन सब ये सब फैक्टर्स हैं. दिस लॉस ऑफ हैबिटेट हैज़ क्रिएटेड अ स्कर्सिटी. स्कर्सिटी इज कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम स्कर्सिटी कहते हैं. स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ वैरायटी ऑफ स्पीशीज इंक्लूडिंग बिग कैट्स. तो यहाँ पर ये मेंशन है कि इंक्रोचमेंट हो रहा है जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं इंक्लूडिंग बिग कैट्स जैसे कि लायंस. ओके. सो क्या इन्फर कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर. यहाँ पर मैंशन है कि एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर और डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके लैंड पे जो है उनके जो फॉरेस्ट है उन पर इंक्रोचमेंट हो रहा है उनके हैबिटेट पे. पर ज़्यादातर जो फॉरेस्ट हैं उनको इसीलिए काटा जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर होना चाहिए. ये तो कहीं मेंशन नहीं है कि ज़्यादातर केस में ऐसा ही होगा, मोर देन हाफ में ऐसा होगा, वो हम नहीं कह सकते. इसको ये इन्फर करने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन. ओके. द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज अनप्रेसिडेंटली इन लास्ट फ्यू ईयर्स. अनप्रेसिडेंटली मतलब ऐसा जैसा पहले कभी देखा नहीं गया. तो इतनी बड़ी है पिछले कुछ साल में, क्या यहाँ पर कुछ या तो ये स्टेट किया हो. यहाँ पर लिखे इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन. सिर्फ ये लिखा है ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन क्या इससे पहले वाले टाइम में पास्ट में क्या इससे ज़्यादा हुई है नहीं हुई है वो हमें नहीं पता. तो हम ये भी इन्फर नहीं कर सकते, हम ये भी इन्फर नहीं कर सकते कि पिछले कुछ साल में ही सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है. लायंस डिविएट फ्रॉम देयर अनयूजुअल बिहेवियर इन डिफरेंट हैबिटेट्स. ओके. एन इंक्रीज इन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड लायंस इज प्रोबेबल. तो कौन सा होगा इसमें, अब लायंस जो है अपने जो यूजुअल बिहेवियर है उससे अलग तरीके से बिहेव करते हैं अलग अलग हैबिटेट्स में. क्या यहाँ पर डिफरेंट हैबिटेट्स की बात की गई है? ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में नहीं कहा गया है. ओके. और ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया कि इस पर्टिकुलर हैबिटेट में अलग बिहेव करेंगे, इस पर्टिकुलर हैबिटेट में अलग बिहेव करेंगे, नहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं. बस उन यहाँ पर इनके हैबिटेट के फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात है, इंक्रोचमेंट के बारे में बात की गई है. ठीक है. सो ये मेंशन ज़रूर है कि वो अवॉइड करते हैं ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज और सिर्फ फूड की कमी में वहाँ पर जो है अटैक वगैरह करते हैं. ठीक है. लेकिन ये हमें नहीं पता कि नेचुरल उसमें वो अटैक करते हैं नहीं करते हैं. ठीक है. तो ये हम नहीं कह सकते, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस. एंड इंक्रीज इन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड लायंस इज प्रोबेबल. ठीक है. चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स में लायंस में कॉन्फ्लिक्ट होगी. ये तो हम क्लियरली इन्फर कर सकते हैं. ठीक है. डायरेक्टली इन्फर हो रहा है कि एक तो यहाँ लिखा है कि अगर उनका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, फूड की कमी होती है तो वो अटैक करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन पे. एंड यहाँ पर फिर मेंशन है कि कैसे उनका हैबिटेट फ्रेगमेंट हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और कैसे जो है हैबिटेट वो जो है फ्रेगमेंट होता जा रहा है. तो अगर ये हो रहा है तो फिर अटैक्स भी बढ़ेंगे. तो ये इन्फर किया जा सकता है. इंक्रीज इन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड लायंस इज प्रोबेबल. सो इट शुड बी डी. ठीक है. इट शुड बी डी. ओके. तो ये हमने जो है स्नैप के कुछ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस देखे. तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना ज़्यादा जो है आपको
समझ में आएगा कि किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन पर नहीं, कैसे हमें ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं मॉक्स के, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था या कौन सा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो करें क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की, क्योंकि एक बहुत सिग्निफिकेंट जो है चंक फॉर्म करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। एंड ये प्रैक्टिस के साथ आप इसमें इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।